क्या आपने कभी पानी के ऊपर नहर में तैरता रेस्टोरेंट देखा है? नहीं देखा, ये रहा। इतनी जल्दी भी क्या है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फिर दिखाते हैं आपको पानी में तैरता हुआ रेस्टोरेंट। और हाँ, ये किस नहर पे है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है, ऐसा रास्ते से हम आए हैं। मेरे सामने है भाखड़ा नहर और यहाँ पे पंजाब टूरिज्म के द्वारा बनाया गया है रेस्टोरेंट जो कि भाखड़ा नहर के ऊपर तैरता है। आप देख सकते हो नीचे 5 ट्यूब लगाई गई है बड़ी बड़ी लोहे की और उनको उधर रस्से के माध्यम से बांधा हुआ है इस किनारे, मतलब इस नहर के किनारों से, और फिर उसके माध्यम से इसके ऊपर बनाया गया है रेस्टोरेंट। फिलहाल तो ये बंद पड़ा है, वहाँ से भी एंट्रेंस गेट है और यहाँ से भी एक एंट्रेंस गेट है जिसके ऊपर देखो यहाँ पे बिल्कुल तारबंदी कर रखी है ताकि यहाँ पे इसके अंदर अभी कोई न आ सके। लेकिन देखो क्या सोच के तकनीक बना के पानी पे तैरता हुआ रेस्टोरेंट बनाया गया है और वो भी भाखड़ा नहर के अंदर। मैंने इससे पहले पानी पे तैरता हुआ रेस्टोरेंट आज तक कहीं नहीं देखा। हमने 600 किलोमीटर लंबी इंदिरा गांधी नहर की परिक्रमा की लेकिन यहाँ पे है पानी पे तैरता हुआ रेस्टोरेंट। कमाल की बात है ना। इस रेस्टोरेंट का नाम देख सकते हो, पंजाबी टूरिज्म फ्लोटिंग रेस्टोरेंट सर हिंद इसका नाम है और ये भाखड़ा नहर पे तैरता हुआ रेस्टोरेंट है। इधर से किस प्रकार से दिखाई देता है रेस्टोरेंट। और वैसे आपको बता दूं कि हम इस पूरी नहर को एंड तक कवर करने वाले हैं और ये हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। हमने जहाँ से नहर शुरू होती है वहाँ का वीडियो बनाया है, ये नहर नाले के नीचे से गुजरती है, ऊपर से गुजरती है, सब जगह के वीडियो बनाए गए हैं। मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना के उसमें ऐड कर दूंगा। लेकिन ये तकनीक कैसी लगी आपको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ऊपर से गुजर रहा है हाईवे और इस रेस्टोरेंट को हम करते हैं टाटा बाय बाय और हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। वैसे इस रेस्टोरेंट को आपको दिखाने के लिए ना हम देखो कहाँ किस रास्ते से आए थे, रास्ता बहुत ही खतरनाक था ये, लेकिन हमने आपको ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट दिखाना था इसलिए हम इसको दिखाने के लिए आ ही गए। इस रास्ते से हम आए थे वो आपने देखा ही है और अभी इसी रास्ते से हम वापस जाने वाले हैं, अपनी जर्नी है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। गाड़ी को ये बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पे लेके आए हैं, इसी रास्ते से हम वापस आए हैं और अभी आगे की तरफ एक हेड आने वाला है वो आपको दिखाएंगे। बस मेन रोड पकड़ लें, ये लगभग कच्चा रास्ता 1 किलोमीटर दूर का है और यहाँ पे देखो पीपल के पेड़ कहाँ कहाँ पे उग गए वो देखो पीछे, और एक पीपल का पेड़ ये रहा, ये आई थिंक बरगद का है। और रही भाखड़ा नहर और यहाँ नीचे वो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। उधर सूरज भी ढल चुका है। यहाँ पे भाखड़ा नहर का पानी, नीला नीला पानी किस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। जहाँ से वो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है ना वहाँ से इस नहर के साथ साथ ही आ रहे हैं और आगे एक हेड है वहाँ पे हम जाने वाले हैं। बैठो। जिस हेड की मैं बात कर रहा था ये हेड है वो आपके सामने। इधर की साइड जो ब्रांच जा रही है इसे बोलते हैं नरवाना ब्रांच, ये साइड दिल्ली की तरफ भी जाती है। इस हेड को थोड़ा सा हम देखते हैं, हालांकि हेड तो पीछे वाले हेड जैसे ही जो हमने आपको पीछे वाली वीडियो में दिखाया था, हेड की दूसरी साइड है। लेकिन यहाँ पे पानी का जो बहाव है, पहले तो आप पानी का कलर देखो कैसा कलर है पानी का, और फिर उठती हुई लहरों पे भी थोड़ा सा ध्यान दो। ये देखो पानी की उठती हुई लहरें और कितना साफ पानी, बिल्कुल साफ पानी है ये। यहाँ ठोकरें बनाई गई है और ठोकरों से उबलता हुआ पानी वहां जाके, यहाँ जाके शांत होता है। वहां तक तो पानी ऐसे लग रहा है कि इसका कलर जो अलग ही हो रहा है। इसे साधुआ हेड, पता नहीं साधुआना हेड के नाम से बोलते हैं। और मेरे को एक नारियल दिखाई दिया, वो नारियल आपको दिखाता हूँ मैं। वो देखो वो रहा नारियल। अब ये नारियल पता नहीं कौन से गोतेखोर के द्वारा निकाला जाएगा। देखिए जी क्या ही, मैं तो इस पानी को देख के ना हैरान हो गया हूँ। काश हमारी इंदिरा गांधी नहर में भी ऐसा पानी आता। बाकी हेड से देखो पानी किस प्रकार से गेटों के माध्यम से निकल रहा है, क्या ही नजारा है ये। मन तो करता है कि इसे देखते ही रहें। दिन भी ढल चुका है लेकिन पानी का कलर तो भैया क्या ही कहना। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना आप। पानी को देख के आपके मन में जरूर आएगा कि इस पानी का कलर इतना साफ क्यों है। तो आपको बता दूं कि गोविंद सागर जो है ना सतलज नदी पे हिमाचल के अंदर, वहां पे बरसाती पानी रुकता है, वो बरसाती पानी वहाँ पे इकट्ठा होता है, वो काफ़ी दिन वहाँ पे खड़ा रहता है, उसमें बहुत सारी मछलियाँ होती हैं और पानी देखो खड़ा पानी रहता है तो उसके अंदर जो भी कचरा वगैरह होता है वो नीचे हो जाता है, तो इस वजह से ये जो नहर का पानी है ये साफ है।
ये निर्वाणा हेल्ड के गेट कुछ अलग प्रकार से हैं, थोड़ी हाइट इनकी ज्यादा है। नरवाणा ब्रांच में देखो पानी किस प्रकार से जा रहा है, ये मैंने आपको पहले नहीं दिखाया था। और पिछ वाले हेड पे हमने देखा था कि पानी नीचे गिरता है, मतलब झरने टाइप का है, और वैसा ही यहाँ पे भी सिस्टम बना हुआ है। सो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो देख के आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया है भाखड़ा नहर को देखने के बाद में और काफी सारी जानकारी आपको देखने को मिली है, तो इस वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि यात्रियान के ऐसे वीडियो आपकी तरफ लेके आता रहे। और राम राम, सत श्री अकाल, टाटा, गुड बाय, फिर मिलेंगे।